बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आजादी। ए औरत शांत रहे, तुझे परिवार कैसे बनना है तो आजादी और पढ़ाई की जिद छोड़नी पड़ेगी। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। क्या तुम्हें पढ़ना है? तू औरत है, तुझे पढ़ने और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुम्हें बोलने की आजादी चाहिए? हम तुम्हें बोलने की आजादी नहीं देते। मुझे समान अधिकार चाहिए और पैसे लेने का हक चाहिए। संस्कृति में महिला और पुरुष को अलग अलग बनाए, तुम्हारे बोलने के अधिकार कभी नहीं हो सकते। मुझे ऐसी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? इस समाज का हिस्सा होना है तो तुम्हें सर ढक कर और झुक कर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। और समाज तुझे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना ही है जितना हम चाहें। तू करने का भी कोई हक नहीं। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है। अगर तुझे काम ही करना है तो रसोई घर में जाकर करो। ए औरत शांत रहे, अगर तुझे समाज तुझे बोलने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे बोलना ही है जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है? मुझे बोलने की और सर उठा कर जीने की आजादी नहीं देता। इसलिए कि मैं औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे इंसान का दर्जा चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक रूढ़ियों को पिघला सकता है। चिंतनीय